समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा समाप्त तो हो चुकी है और उनको समर्थन देने के लिए राजा भैया की जनसत्ता दल के समर्थक और पदाधिकारी एक साथ अखिलेश की रैली में टूट पड़े और जबरदस्त भीड़, जिसको ऐतिहासिक कहा जा रहा है, इतनी बड़ी सभा मोदी की भी नहीं हुई थी, उसी राजकीय इंटर कॉलेज में हमारे साथ बात करने के लिए जनसत्ता दल के लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की रणनीति है और किस बात का आक्रोश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मैं जनसत्ता दल किसान विंग का जिला अध्यक्ष हूँ प्रतापगढ़ का। आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है इस आक्रोश का कि राजा भैया अभी तक लगातार भाजपा का समर्थन करते रहे हैं और इस चुनाव में देखा जा रहा है कि कौशाम्बी हो या प्रतापगढ़, हर जगह जनसत्ता दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब समाजवादी के साथ हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में माननीय राजा भैया ने जिस दमदारी के साथ, जिस बहादुरी के साथ भाजपा का साथ दिए और भाजपा के लोगों को जिताए और अपने पुराने साथी का साथ छोड़कर और उसके बाद उनका साथ दिए, आज भाजपा वालों ने तनिक भी माननीय राजा भैया के लिए नहीं सोचा कि प्रतापगढ़ में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ की सीट के लिए भी माननीय राजा भैया को माने आह्वान करते। और उसके बाद ये तो जाने दीजिए, ऐसी तमाम स्थितियाँ जैसे अभी अनुप्रिया पटेल जी ने अनाप शनाप, जबकि अनुप्रिया पटेल का माननीय राजा भैया का कोई जोड़ नहीं। राजा भैया सूरज तो अनुप्रिया पटेल एक टिमटिमाते हुए दीपक हैं। राजा भैया स्वयं संघर्ष करके और जनसेवा भाव से वो पार्टी में आज भी राष्ट्रीय पार्टी बना के और तमाम राष्ट्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस और बसपा की पार्टियां एक एक भी सीट नहीं निकाल पाएं, लेकिन माननीय राजा भैया बगैर किसी के सहारे, बगैर किसी के गठबंधन के, अपने बलबूते पे जनसेवा के भाव से और हर जाति वर्ग संप्रदाय के लोगों के साथ, आज उनका कुंडा में विधायक खुद और बाबागंज में माने विनोद सरोज जी और एक MLC और जिला पंचायत अध्यक्ष, आज प्रतापगढ़ में उनके साथ जो मतलब अपने बलबूते पे जो कारनामा किए, जो भी किए, आज कोई दूसरा नेता उत्तर प्रदेश मिसाल नहीं है। और जो राष्ट्रीय नेता हैं आज उनके पास एक भी सीट नहीं है। और ऐसी स्थिति में माननीय राजा भैया का सम्मान न देना, और इसलिए हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, आक्रोशित हैं। ये तो गनीमत है कि राजा भैया खुल के हम लोगों को निर्देश नहीं दिए, नहीं तो आज प्रतापगढ़ में नज़ारा कुछ और होता। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेश सिंह है, जिला सचिव है जनसत्ता दल में। क्या कारण है नाराजगी का? नाराजगी का कारण है, पहली बात जय जनसत्ता जय रघुराज। नाराजगी मतलब हमारे राजा भैया का जो है भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया और आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनको कोई तवज्जो नहीं दिया गया और इसी कारण से पूरी जनसत्ता दल पार्टी राजा भैया के जो है मतलब उससे हम लोग पूरा सपा का समर्थन कर रहे हैं। तो राजा भैया के सम्मान में जनसत्ता दल मैदान में समाजवादी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं महिला नेता भी हैं। क्या नाम है आपका? सुभद्रा सिंह, प्रधान महासचिव। सुभद्रा जी, क्या कारण है भाजपा के खिलाफ इतना जबरदस्त आक्रोश है कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देना पड़ रहा है? उनका जो है ये बयान जो दे रहे हैं बार बार, कोई भी भाजपा का नेता मंच पे जा रहा है तो पहले जो है बस राजा भैया को ही टारगेट बनाया जा रहा है। क्यों, और नेता नहीं लड़ रहे हैं? और अपना काम नहीं गिना सकते कि हमने सभी नौजवानों को बेरोजगार कर दिए हैं और 5-5 किलो राशन में खरीद के सबको विकलांग तरह बना दिए हैं? बस एक राजा भैया ही सबको टारगेट है, जबकि बेती में सभी जा कर के वहाँ पहले लाइन लगा के मिन्नतें करते हैं कि हमारा समर्थन करिए। जब वहाँ से उनको आश्वासन नहीं मिलता है तो ऐसे जले छाछ की तरह आकर के फिर बोलने लगते हैं कि राजा भैया ऐसे, तो राजा भैया हैं, 3-3 रियासत के मालिक हैं उन, और सब जो लोग जाते हैं उनकी औकात बस इतनी है कि अगर पार्टी में समर्थन कर ना लें तो एक BDC एक प्रधानी का इलेक्शन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे इनका वो नज़रिया हो गया है कि बस आप मंचासीन होइए तो पहले राजा भैया को टारगेट बनाइए ताकि हम मीडिया में हमारा नाम आए, हमको लोग जाने, जबकि उनकी औकात ये नहीं है। लेकिन जैसे बड़े लोगों के नाम को आप गलत उल्टा सीधा जब कहीं, ये पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद आक्रोश पनपा है उसका कारण है या फिर अनुप्रिया पटेल और राजभर का कारण? क्या क्या गिनाए, अटल जी आए बोले राजा भैया कुंडा के गुंडा हैं, फिर अटल जी गए, अटल जी तो नहीं बोले थे ऐसा?
कल्याण सिंह ने बोला था, कल्याण सिंह ने बोला था कि कुंडा के गुंडा है राजा भैया। फिर जब उनकी पार्टी गिरने लगी, फिर गए मिन्नतें किए, राजा भैया ने फिर समर्थन किए। फिर जब उन्हीं के पार्टी के एक नेता जाकर उनके FIR कर दिया, कोटा लागू हो गया, फिर राज्यसभा में दिए। और जब बार बार साथ में रह के धोखा देना, और वो बहुत तकलीफदायक होती है। हमारे राजा भैया किसी से मांगते नहीं है, हमको आप इसके बदले में दे दीजिए। और लेकिन समझना चाहिए, बार बार छला गया हमारे नेता को, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। कौन छल रहा है, कौन छल रहा है? सबसे ज्यादा BJP ही छली है हमारे नेता को। किस तरह से छला है? धोखा से, हर बार बुलाते हैं। और राजा भैया हमारे सीधे सरल स्वभाव के हैं, इसलिए उनके एक बुलाए पे चले गए। और वही वो बार बार फायदा उठा। वंदना उपाध्याय, महिला जिला अध्यक्ष, जनसत्ता दल। मैडम कह रहे हैं कि राजा भैया को छला गया है, किसने छला है, क्यों छला है, कैसे छला है? अब छला गया है, छला तो गया ही एक तरह से, क्योंकि जिस तरह 12 बार राज्यसभा में राजा भैया ने निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से, बिना किसी शर्त के भाजपा का समर्थन किया, उसके एवरेज में भाजपा को कम से कम मानवता दिखाते हुए 2 सीटें तो हमारे राजा भैया को देनी चाहिए थी, और उन्होंने नहीं दिया। फिर भी हमारे राजा भैया ने किसी का विरोध नहीं किया, और उन्होंने जनता को अपने जो है जितने कार्यकर्ता उनको स्वतंत्र किया कि आप जहां मतदान देना चाहें मतदान दें, क्योंकि वो किसी का जो है भाई, किसी को अगर वो समर्थन दे देते तो ये होता कि उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की हो जाती कि तो बसपा भी तो लड़ रही है। देखिए, लड़ते तो सब हैं, और सारे लोग लड़ रहे हैं, बसपा भी लड़ रहा है, लोकतंत्र है, सभी चुनाव लड़ रहे हैं, कई पार्टियां लड़ रही हैं, कई ऐसे संगठन भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सपा को ही समर्थन क्यों? देखिए, हमें लग रहा है कि सपा जो है भाजपा को टक्कर दे सकती है, इसीलिए हमारे सारे कार्यकर्ता सपा का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सपा ही भाजपा को हरा सकती है। अभी बाकी पार्टियां तो बहुत नीचे हैं, इसलिए सारे कार्यकर्ता सपा का समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं अरविंद कुमार सिंह, किसान बिंदु, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, जनसत्ता दल। क्या कारण है कि आप लोग बिना राजा भैया के इशारे के समाजवादी के साथ चले गए? हमारे माननीय राजा भैया ने हमेशा जिले से लेकर प्रदेश तक न्यायप्रित और लोकतंत्र की रक्षा की है, और न्याय पक्ष में लड़ाई लड़ी है, और भाजपा ने समझौता के लिए उनको ऑफर दिया था कि हम आने वाले समय में आपके साथ समझौता करके ही चुनाव लड़ेंगे, और इसके लिए यहां से लेके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो हम लोग सूचना है, राजा भैया को बुलाया भी गया, बैठक भी की, इसको पूरा जिला जानता है। लेकिन इसके बाद भी राजा भैया, इसके बाद भी माननीय राजा भैया के खेत को देखते हुए, इस परिवार के खेत को देखते हुए कहीं उन्होंने तवज्जो नहीं दिया, इसलिए हम लोग सारे संगठन के कार्यकर्ता मिलके माननीय राजा भैया से अपील की कि हम लोग को स्वतंत्र करिए, और आने वाले समय में हम लोग जो जीतता हुआ हमको दिखाई पड़ा, जैसे इस समय सपा भाजपा की अच्छी टक्कर दे रही है, जिले में नहीं पूरे प्रदेश में दे रही है, और माननीय राजा भैया के साथ हम लोगों की जनसत्ता दल परिवार के साथ जिस तरह से 2 सीटों पर मौका लड़ने के लिए नहीं दिया गया, हमारा उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में आने वाले समय में देश में भाजपा गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी, मोर्चा की गवर्नमेंट बनेगी, हम जनसत्ता परिवार का पूरा इस पे सहयोग और समर्थन बना रहेगा। माननीय राजा भैया, पंकज यादव। पंकज जी, क्या कारण है नाराजगी का? नाराजगी है कि जो है, पहली बात तो आदरणीय राजा भैया कभी जातिवाद की राज नहीं किए, हमेशा स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किए। कैसे ठेस पहुँच गया स्वाभिमान को? स्वाभिमान को जिसे राजा भैया, हम हर बार राज्यसभा में भाजपा को समर्थन दिए, MLC के चुनाव में समर्थन दिए, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई उनको वेटेज नहीं दिया गया। क्या नाम है? रवि सिंह नाम है हमारा। रवि जी, क्या कारण है कि जनसत्ता दल के लोग समाजवादी पार्टी को ही समर्थन हर जगह कर रहे हैं, किसी अन्य को नहीं? ये सिटिंग MP का जो है विरोध है, सिटिंग जो MP है उन्होंने कोई कार्य नहीं किया यहाँ पे, इसका विरोध है। विपक्ष में हम लोग सपा को ही देख रहे हैं जो उनको हरा रही है, इसीलिए हम उनके साथ हैं। मतलब भाजपा से कोई दुराव नहीं है? नहीं नहीं, भाजपा से कोई दुराव नहीं है। हमारे साथ अन्य महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? नीतू गौतम। रिंकू जी? नीतू गौतम। नीतू जी, क्या नाराजगी है? नाराजगी हमारी तो पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन उस दिन हमने भी मीटिंग में तो नहीं गए थे, लेकिन मैंने भाषण में सुना, और हम लोग प्रतापगढ़ जनपद से हैं। हमारे राजा भैया, मतलब हमारे राजा भैया जी आसमान की तरह ऊंचाई और धरती की तरह धैर्य, और
सागर की तरह गहराई। कभी उन्होंने जात पात का भेदभाव नहीं किया कि ये कौन से जात है। उन्होंने सबको प्यार से, जो भी उनके यहाँ गया होगा, सबका समस्या का समाधान किया, सबको मौका दिया, सबसे बात किया। तो हम लोग को लगा कि जब हमारे राजा भैया जैसे लोगों का यहाँ विरोध हो सकता है, तो हम लोग आम आदमी हैं। हम लोगों ने यही कारण है कि हम लोग सब लोग साइकिल पे वोट देने के लिए प्लान बना लिया हूँ, बनाई हूँ और बनाए रहूँगी और दूंगी भी, खुल कर दूंगी। क्या नाम है आपका? कुसुम राठौर, जनसत्ता दल अध्यक्ष। क्या कारण है आप लोगों में आक्रोश इतना क्यों है भाजपा के खिलाफ? कारण कुछ नहीं है, हम लोग बस ये चीज़ उमर पटेल जो बोली हैं ऊँची बात पर हम लेकर हम महिलाएं थोड़ा सा नाराज हैं, क्योंकि जब महिला एक महिला की इज्जत नहीं कर सकती है तो उसको पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। बस इसी हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना जी, क्या है नाराजगी का कारण, क्यों जनसत्ता दल के लोग भाजपा से इतने खफा हैं? जनसत्ता दल के लोग इसलिए खफा हैं कि माननीय राजा भैया का जो सम्मान इस जिले में है, इस जनपद में है, वो सम्मान को भारतीय जनता पार्टी बरकरार नहीं रख पाई। उनको अघोषित तरीके से माननीय राजा भैया ने कई बार समर्थन किया, राज्यसभा से लेकर कई चुनावों तक माननीय राजा भैया ने कई बार भाजपा का गिरता हुआ ग्राफ को बढ़ाया, उनके प्रत्याशियों को जितवाया है और उसका उचित सम्मान नहीं मिल पाया। और उनके तरह तरह के नेता आते रहे और तरह तरह के रूप में उनके बारे में बयान कर रहे हैं और उनके जो वर्तमान के सांसद हैं उनका नाम लेके रो रहे हैं मंचों पर, तो ये अच्छी बात नहीं थी, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उबाल भी है। और 5 साल के सांसद रहे तो किसी का मान सम्मान नहीं बच पाया, ना किसी का मान सम्मान किए उस स्तर से, जिसके वजह से। और माननीय राजा भैया के बारे में जो अनाप शनाप कहा गया है उसके बारे में आपने इस रैली को देखा होगा। ये आक्रोश प्रतापगढ़ जिले में ही सीमित रहेगा कि आगे है? नहीं, ये आक्रोश तो अब भाजपा के खिलाफ है, इसमें किसी के खिलाफ नहीं है, भाजपा के खिलाफ है। पूरे पूरे प्रदेश में चिंगारी की तरह फैल रहा है, पूरे प्रदेश में ना कहा जाए तो ये पूरे देश में फैला गया, क्योंकि माननीय राजा भैया के समर्थक पूरे देश में मौजूद हैं और अपनी अपनी जगह से सब लोग अपने अपने हिसाब से उसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। और ये उसका ये रैली का सफल होना बता रहा है कि राजा भैया का जो समर्थक अभी यहाँ पहुँचे हैं, वो सैलाब आपने पीला समंदर देखा होगा पीले गमछे वाला, तो उसका ये परिणाम है कि ये चुनाव का परिणाम निश्चित तौर पे प्रतापगढ़ कौशाम्बी का बदल के देखेंगे। क्या नाम है आपका? प्रवीण चतुर्वेद, जिला अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ जनसत्ता दल। प्रवीण जी, जिस तरह से प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल भाजपा का विरोध कर रही है कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में, क्या आगे जो अन्य सीटें हैं पूर्वांचल के उस पर भी जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुआ है हर जगह उसका प्रभाव पड़ेगा और जनसत्ता दल के कार्यकर्ता अधिक संख्या में पहुंच करके विरोध करेंगे भाजपा का। क्या नाम है आपका? ऋषिराज सिंह, जिला प्रवक्ता छात्र प्रकोष्ठ जनसत्ता दल। किन जिलों में जाएंगे आप लोग? अब जहाँ जहाँ चुनाव नहीं हुआ, जैसे मिर्जापुर में खास करके, क्योंकि वहीं से आई थी अनुप्रिया जी और यहाँ आके इस तरीके का अमर्यादित बयान। अनुप्रिया के बयान को तो राजभर ने भी बोल दिया है कि उनके समर्थन में, वहाँ भी हमारे और मऊ में उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। हाँ, मऊ में भी हमारे समर्थक हैं और बढ़ चढ़ के उनका विरोध कर रहे हैं और वहाँ पे भी उनको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा जो उन्होंने किया है। बहुत। क्या नाम है आपका? जेपी श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष। जेपी जी, क्या नाराजगी है, क्यों भाजपा के साथ अभी तक गलबहियां करने वाले राजा भैया के समर्थक टूट पड़े हैं सपा के पक्ष में? राजा भैया के अपमान का केवल ये कार्यकर्ताओं का बदला है एक, और जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच पाएंगे वहाँ वहाँ इनका हम विरोध करें। खास तौर मिर्जापुर हम लोग के एकदम टारगेट पे है और राजभर के बेटे मऊ की सीट एकदम टारगेट पे है। हम लोग यहाँ चुनाव होने के बाद वहाँ जरूर से जरूर जाएंगे केवल उनके विरोध में। और राजा भैया का यूपी में चुनाव का एक महत्व है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है उसमें अक्षत एक अपना महत्व रखता है, बिना अक्षत के कोई कथा संपन्न हो ही नहीं सकती। वैसे किसी भी पार्टी का कोई भी सीएम पीएम बन नहीं सकता बिना राजा भैया के समर्थन के, बिना राजा भैया के आशीर्वाद के। इस मौजूदा समय में तो योगी बिना समर्थन के हैं? नहीं, मौजूदा समय वो एक लहर था, राष्ट्रपति चुनाव जो देखा गया एक लहर था, और लहर के अब जो है जो कंडीशन सारी चेंज हो चुकी है, जरूरत पड़ी। राजा भैया लगातार भाजपा को बिना समर्थन देते रहे, लेकिन राजा भैया क्यों नाराज हुए कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। उन्होंने समर्थन तो किसी को नहीं दिया, मौन रहे, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के पदाधिकारी सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और
अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र मिर्जापुर तो वहीं ओपी राजभर के बेटे के क्षेत्र मऊ तक जाने की तैयारी में है। चुनाव का मौसम बदलता चला जा रहा है और हमारे लोगों ने अखबारों में और कई जगह पढ़ा होगा कि इधर क्लाइमेट चेंज की बहुत चर्चा होती है, लेकिन मैं देख रहा हूं जो जनसैलाब हमें दिखाई दे रहा है इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। उन्होंने जब नारा दिया था हमारे साथियों, थोड़ा सोच समझ के समझिए, जिस समय उन्होंने नारा दिया 400 पार, हमें और आपको लगा कि कहीं 400 की गिनती की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब सही समझ में आया तो बात यह समझ में आई कि बीजेपी के लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और 543 में 400 पार केवल 143 सीटें हैं। लेकिन जो जनता का गुस्सा दिखाई दे रहा है, इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीट के लिए भी तरसा देगी, इनकी सीटें बढ़ने जा रही नहीं है। और हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। सुनने में आया है कि जनता का गुस्सा देख करके यहां के प्रत्याशी का आंख में आंसू निकल आए, ये तो अभी जनता की छठी इंद्री के बारे में नहीं जान पाए हैं। जो सिक्स सेंस है जनता का, आप देख लेना, जिस समय चुनाव का बोर्ड पड़ेगा और चुनाव सातवें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पर दिखाई देगा। इनके 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली, इनका वादा झूठा निकला, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 1 और 1 11 हो गए हैं, तब से दिल्ली और लखनऊ का एक एक इंजन आपस में टकरा रहा है। जब से कांग्रेस और समाजवादी 1 और 1 11 हुए हैं, तब से ये जो कहने वाले डबल इंजन वाले, डबल इंजन दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है और ये जीरो होने जा रहे हैं, जीरो होने। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि 80 सीट में एक में लड़ाई है, क्यूटो में, लेकिन अब तो ये लग रहा है कि बीजेपी का 80 में 80 का सफाया होने जा रहा है। ये जो दिल्ली वाले हैं, कई बार कहते हैं शहजादे और शहजादे, इस बार शहजादे शह भी देंगे और मात भी देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। याद है आपको इन्होंने कितने वादे किए थे हमसे और आपसे, कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे प्रतापगढ़ के किसान भाइयों, किसी भी किसान की, गांव में रहने वाले नौजवान, उनके परिवार की, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। और आय दोगुनी तो दूर,
इन्होंने महंगाई बढ़ा करके लागत बढ़ा दी और लगातार लागत बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद हो और चाहे कीटनाशक दवाइयां हो। यहां तक जब किसान को डीएपी खरीदने के लिए जाना पड़ा बाजार में तो इन बीजेपी वालों ने नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवा दी, नैनो यूरिया खरीदवा दी। जो लोग जानकार होंगे वो जानते होंगे जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़कर चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। और दिल्ली वालों ने तो दिल्ली से अपना सामान अमान बांध लिया है और ये सब छठवें सातवें वाले चुनाव में आ गए हैं। वो जानते हैं अब दिल्ली में कुछ बचने वाला नहीं है, बदलाव की हवा चल रही है, इसलिए सब सामान बांध लिया है। और जो जनता को धोखा दिए थे इस बार जनता भी उनसे हिसाब किताब करने जा रही है अपने वोट से। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दिया था वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि कोई भी इस सरकार में परीक्षा हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया और जब नौजवान घर लौटा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई है। और केवल रद्द नहीं हुई है, लगातार इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए और सरकार ने इसलिए पेपर लीक कराए जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़ जाए, रोजगार न देना पड़ जाए। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं कि जो नौजवानों की परीक्षा रद्द हुई है उससे लगभग 60 लाख बच्चे नौकरी से दूर हो गए। और अगर नौकरी से 60 लाख बच्चे दूर हुए हैं उनके मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार तीन लोग नाराज हैं सरकार से। और अगर हम तीन का गुणा 60 लाख से कर दें तो 1,80,00,000 होते हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया, जिसकी कोई भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। न केवल इन्होंने नौकरियों से नौजवानों को दूर रखा बल्कि नौजवान साथियों हिसाब किताब लगाना, एक तिहाई जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया। पिछले 10 साल में न नौकरी मिली न रोजगार मिला। और यही नौजवान जो अपनी फौज की नौकरी के लिए तैयारी करता था, सड़क पर दौड़ता था, खेतों में गांव में जहां जगह बना करके अपनी तैयारी करता था, फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था, लेकिन इन बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी। मैं अपने नौजवानों से कह के जा रहा हूं, ये जो फौज की आधी अधूरी नौकरी की है हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सरकार बनेगी, सरकार में जो नौकरियां खाली है 30,00,000 वो नौकरियां तो भरी जाएंगी, नौजवानों को नौकरी दी जाएंगी, साथ ही साथ जो फौज की आधी अधूरी नौकरी है अग्निवीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मैं अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को जब देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जब बीजेपी फौज की नौकरी 4 साल की कर सकती है तो अगर ये सत्ता में आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए हम इन्हें भी सावधान करने आए हैं
अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, ये बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो इनकी खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। ये हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं ये कैसे संभव है, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि बताओ भारतीय जनता पार्टी ने सभी हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दी कि नहीं बेच दिए, ट्रेनें बेच दी कि नहीं बेच दी, हवाई जहाज जो सरकारी थे वो बेच दिए कि नहीं बेच दिए, और सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर संविदा में नौकरी कर दी कि नहीं कर दी। जब ये सब कुछ कर सकते हैं, अग्निवीर लागू कर सकते हैं, नोटबंदी लागू कर सकते हैं, तो ये भी लागू हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं आपको भी सावधान करने आया हूं, महंगाई कहां पहुंचा दी बीजेपी के लोगों ने सोचिए, और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई, लेकिन हमारे किसानों की खाद की बोरी से भी चोरी हो गई। जो खाद चोरी हुई, पहले 5 किलो चोरी की, फिर 5 किलो एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान आपकी।